हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास ऑफ क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर 10, मोर ऑन फ्रैक्शंस। टॉपिक इज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। सो हियर देयर आर द फोर फ्रैक्शन, 4/8, 3/6, 2/4 एंड 1/2। द फ्रैक्शन 4/8, 3/6, 2/4 एंड 1/2 आर इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन। हम इसे इक्विवेलेंट या इक्वल फ्रैक्शंस भी कहते हैं। एज यू कैन सी ईच ऑफ देम इज इक्वल टू हाफ, है ना। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो सारे हाफ के इक्वल है। 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। यू कैन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फर्स्ट थ्री। दस सो इसमें से हम इसे डिवाइड करेंगे। अगर हम 4/8 को 4 से डिवाइड करते हैं सो हमको 1/2 मिलता है। 3/6 को 3 से डिवाइड करते हैं सो 1/2। 2/4 को 2 से डिवाइड करते हैं सो 1/2। डिवीजन रिड्यूस द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू द स्मॉलेस्ट नंबर। सो डिवीजन क्या कर रहा है, फ्रैक्शन को रिड्यूस्ड कर रहा है, स्मॉलर नंबर में रिड्यूस कर रहा है। बट यू कांट रिड्यूस हाफ फर्दर, लेकिन आप लास्ट वाले को हाफ को रिड्यूस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर को हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। वी से दैट हाफ इज द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। सो हम जो हाफ है उसे बोलेंगे लोवेस्ट टर्म ऑफ 4/8, 3/6 एंड 2/4। सो ये होता है फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शन। एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आपको लाइक फ्रैक्शन को। सो यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए हैं जिससे आप एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। एंड फॉर द डिविजन, डिफरेंस ऑफ द लाइक फ्रैक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। Addition of like fractions. So here we add 2/9 plus 4/9. ये like fractions है, so that's why denominator same होता है। और जब denominator same होता है so we write common denominator। हमें common denominator लिखना है and numerator को add करना है and we add numerator। Numerator की addition या subtraction करनी होती है and डिनोमिनेटर कॉमन लिखना होता है। सो 4 + 2 = 6/9। सो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाउ कैन वी सिंप्लीफाई इट? बाय डिवाइडिंग दिस फ्रैक्शन विद द 3। 3 से डिवाइड करेंगे हम इसे। 3 2 = 6, 3 3 = 9। सो 2/3 इज द आंसर ऑफ 2/9 प्लस 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 3 फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर भी देखो दे आर द लाइक फ्रैक्शंस, तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो सिंगल टाइम लिखना होता है। सो राइट कॉमन डिनोमिनेटर एंड वी ऐड न्यूमरेटर 1 + 2 + 4। सो 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 7/14। अभी हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 1 = 7, 7 2 = 14। आप इस वे से कर सकते हो या आप ऐसे भी पार्ट दे सकते हो। सो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 1/2। इस वे से हमें एडिशन करनी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। बट एडिशन जैसे सेम होता है, कॉमन डिनोमिनेटर है, सो राइट कॉमन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 4 - 1, 4 - 1 = 3। सो 3/5 इज द आंसर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 2/9 फ्रॉम द 7/9। सो हमको 7/9 में से 2/9 को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो 7/9 माइनस 2/9। सो हियर सेम डिनोमिनेटर है सो कॉमन डिनोमिनेटर होगा एंड 7 - 2, 7 - 2 = 5/9। इस वे से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शन के लिए। अब अनलाइक फ्रैक्शन के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा?
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन में हम फर्स्ट हमें ये जो फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना है इनटू द लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम ऐड करेंगे. सो लेट्स कन्वर्ट 3/4 एंड 7/8 इनटू द लाइक फ्रैक्शन. यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. सो 3 × 8 प्लस 4 × 7 इस वे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है एंड डिनोमिनेटर में हमें दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. दैट इज 4 × 8. 8 × 3 = 24. 4 × 7 = 28 एंड 4 × 8 = 32. देन एड 24 and 28. 8 + 4 = 12. 12 2 लिखा कैरी 1. 2 + 2 = 4 and 5. होल डिवाइडेड बाय 32. देन आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से पार्ट देके. 2 × 2 = 4. 2 × 6 = 12. 2 × 1 = 2. 2 × 6 = 12. सो हियर 26/16. अगेन आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. 2 × 8 = 16. 2 × 1 = 2. 2 × 3 = 6. 13/8 इज द आंसर. इस वे से आप इसे सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज आप दूसरी मेथड भी यूज कर सकते हो. दूसरी मेथड क्या कि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है और ये 4 है. 4 को हम 8 कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हम इसकी सेकेंड मेथड करेंगे. सेकेंड मेथड 3/4 + 7/8. सो सबसे फर्स्ट हम इस 4 को कन्वर्ट करेंगे इनटू द 8. कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें. सो 3 × 2 / 4 × 2 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 एंड 4 × 2 = 8. नाउ देखो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. ओके सो हम इसे अभी सिंपल मेथड से यूज कर सकते सॉल्व कर सकते हैं. सो कॉमन डिनोमिनेटर 6 + 7 इज इक्वल टू 30/8. सो ये सेकेंड मेथड है. आपको जो भी मेथड समझ में आए आप कर सकते हो और इसी वे से आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 2/3 - 2/6. सो अगेन सेम करेंगे. हम इसे चेंज कर सकते हैं. सो हम ये सेकेंड मेथड के थ्रू करेंगे. ओके सो 2 × 2 = 3 × 2. क्यों 2 लिया है? बिकॉज 3 × 2 = 6 होता है एंड सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 6 है. दैट्स व्हाई वी टेक अ 2. 2 × 2 = 4. 2 × 3 = 6. सो 4/6 - 2/6 इज इक्वल टू कॉमन डिनोमिनेटर है एंड न्यूमरेटर 4 - 2. सो ये हो जाएगा 2/6. हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 × 1 = 2. 2 × 3 = 6. सो हो गया आंसर 1/3. इस वे से आपको सॉल्व करना है. थैंक यू.